स्वागत है आपका पाटन ब्लॉग में। आज हम बना रहे गेहूं के आटे की गुजिया। तो ये गुजिया हम त्योहार के लिए बनाते हैं। तो हमने हमारा 2 दिन के बाद सैरी का त्योहार आ रहा है, उसके लिए हम गेहूं के आटे की गुजिया बनाएंगे। तो हमने स्टफिंग के लिए जो सामान लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने लिया है 2 सूखे नारियल काट के ले लिए, हमने लिए हैं मखाने, बादाम और हमने लिए किशमिश। अगर आपके पास काजू है तो आप काजू भी ले सकते हैं या और कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम मिक्सी के जार में इसको दरदरा कूट लेंगे। अब हमने जो किशमिश ली है उसको हम साइड हटा लेंगे, इसको हमने पीसना नहीं है, इसको हम ऐसे ही साबुत डालेंगे। तो पहले हम डाल देंगे इसमें बादाम जो हमने लिए हैं, ये हमारे सारे एक साथ नहीं कूटा जाएंगे, हम इसको थोड़ा थोड़ा करके कूटेंगे। मखाने डाल देंगे हम इसमें और हम इसमें डाल देंगे जो हमने सूखा नारियल लिया है वो हम डाल देंगे। इतने से हम इसमें दरदरे पीस लेंगे मिक्सी के जार में, और बाकी जो हमारे बचे हैं ये बाद में हम पीस लेंगे। अब हमने मिक्सी में इसको दरदरा पीस लिया है। अब हम इसको एक बर्तन में इकट्ठा करते जाएंगे, ऐसे करके ऐसे पूरा पलट लेंगे। अब हम जो बाकी का बचा है वो भी हम इसमें डाल के पीस लेंगे, ऐसे करके। अब हमने इसको भी पीस लेना है ऐसे ही। फिर इसके बाद हमने जो चीनी ली हुई है वो हमने इसमें चीनी साबुत नहीं डालेंगे, इसको भी हमने मिक्सी में पीस लेना है। अब हमने बाकी का भी पीस लिया है, अभी हम सारा इसमें एक जगह इकट्ठा कर लेंगे इसमें बर्तन में। अब हम इसमें मिक्सी में डाल देंगे जो हमने चीनी ली हुई है वो हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे इसको। इसको भी हमने ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, थोड़ी दरदरी ही पीसनी है। चीनी को भी हम पीस लेंगे, हमने चीनी को भी पीस लिया है, देखो हमने दरदरा करके पीस लिया है। अब हम बाकी बाद में बताती हूँ क्या करना आगे। अब हमने कढ़ाई रख दी गैस पे, अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी को हम थोड़ा गर्म होने देंगे, घी गर्म हो गया अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने मिक्सी में सूखा नारियल और बादाम और मखाने जो हमने लिए वो हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा हल्का सा भून लेंगे, ऐसे छेड़ा देते रहेंगे क्योंकि हमारा ये जल्दी ही भुन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे करके हम इसको अच्छे से भून लेंगे। हमने इसको हल्का सा भून लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे मीठी सौंफ और अब हम इसमें डालेंगे इलायची। हमने 7-8 इलायची कूट के ले ली थी वो हमने इसमें डाल देंगे क्योंकि इसमें इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और मीठी सौंफ का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसमें खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और हमने इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट डाला है, अगर आपके पास ये ना हो तो आप और ड्राई फ्रूट के साथ भी बना सकते हैं इसमें डाल के। अब हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। अब हमने इसको 2 मिनट के लिए और भून लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने किशमिश ली है वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे, मिला लेंगे इसको। हमने 2 मिनट के लिए और भून लिया है, हमने गैस स्लो रखी है, एकदम से स्लो रखना। आप तेज गैस रखोगे तो उसमें ये हमारा ड्राई फ्रूट सारा जल सकता है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने चीनी पीस के लिए है वो हम इसमें डाल लेंगे, चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको भी अच्छे से इसमें मिला लेंगे, चीनी को भी अच्छे से मिला लिया है। अब ये हमारी गुजिया की स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। हम गैस बंद कर देंगे, हमने ज़्यादा नहीं चलानी है, नहीं तो हमारी ये जो चीनी हमने डाली है मेल्ट हो सकती है। तो हमने गैस बंद कर दी है, अब हम इसको ठंडा होने देंगे। तब तक हम लगा लेंगे गुजियों वाला आटा, जो हम आटा लेंगे गेहूं का वो तैयार कर लेंगे। अब हमने 1 किलो आटा ले लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा हल्का सा, हम इसमें नमक डाल लेंगे,
नमक का भी टेस्ट इसमें अच्छा आता है, नमक और मीठी स्टफिंग भरेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने एक कटोरी, आधी कटोरी हमने घी की ली है, ये डालडा घी है हमारा, ये हम इसमें डाल देंगे और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पूरे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो ये मोंड हमने डाला है इसमें डालडा घी, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने नमक को और जो हमने घी डाला था उसको हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, देखो हमारे आटे की मुट्ठी बन जा रही है, ये देखो ऐसे ही। इसी में हम अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको इसका आटे जैसा डो बना लेंगे। आटा तो ज़्यादा लूज होता है, ढीला होता है, थोड़ा हम इसको थोड़ा टाइट टाइट गूंथ लेंगे, इसका डो बना लेंगे, एकदम टाइट सा डो बना लेंगे। अब हमने आटे को थोड़ा थोड़ा पानी लगा के ऐसे इसको इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगा के एकदम टाइट डो बना लेंगे इसका, ऐसे आप भी बना के देखना है। खाने में आटे की गुजिया बहुत टेस्टी होती है और हम ये त्यौहार में अक्सर बनाते हैं, जैसे कोई त्यौहार हो, दिवाली हो, उस पर बनाते हैं। अब हमारी इधर हिमाचल में सहरे की संक्रांत होती है बरसात के बाद की, वो उसमें बनाते हैं। हमने भी सहरे की संक्रांत के लिए ये गुजियाँ बना रहे हैं आटे की। तो ऐसे ही हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे, एकदम नरम डो बना लेंगे इसका। अब ये हमने आटे का डो अच्छे से बना लिया है। अब हम इसको एक डोंगे बर्तन में रख लेंगे इसको ऐसे करके, और अब ये देखो हमने कितना टाइट इसका डो बनाया है। लूज होगा तो गुजी अच्छे से नहीं बनेगी, ये देखो ऐसे करके आपने डो बना लेना। अब हमने 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है इसको, ताकि और हमारा आटा सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसकी गुजिया बनाएंगे। अब हमने आटे को 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दी है, अब हमारा आटा तैयार हो गया। अब हम इसकी लोई बना लेंगे ऐसे करके अच्छे से नरम करके, फिर हमने इसको ऐसे हाथ की सहायता से इसको ऐसे गोल कर लेंगे, फिर हम ऐसे करके इसको नीचे फ्लोर पे ऐसे बेल लेंगे इसको, ऐसे हमने पूरी की तरह इसको बेल लेना है। अब हमने इसको पूरी की तरह बेल लिया है, अब हम इसमें भर देंगे स्टफिंग ऐसे करके, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे करके, हाथ से हम दबा देंगे जितना जितना हमने दबा दिया, और बाकी का जो हमारा आटा है वो हम चाकू के हिसाब से हम ऐसे इसको काट लेंगे ऐसे करके। अगर आपके पास गुजिया बनाने की मशीन है तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं। ये देखो कितने अच्छे से हमारी गुजिया बन गई है, ऐसे हमने चिपका दिया। अब आप इस कांटे की सहायता से इसमें डिजाइन भी आप ऐसे करके बना सकते हैं, ऐसे करके ये देखो ऐसे, ये देखो हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई है। देखो कितना अच्छा डिजाइन बना हुआ है, ऐसे ही हम बाकी की गुजिया बना लेंगे। अब हमने एक और पूरी की तरह बेल ली है, अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी हाथ से गुजी बनाना बताती हूँ। ऐसे करके हम स्टफिंग इसमें भी भर लेंगे ऐसे करके, अब हम इसको भी फोल्ड कर लेंगे ऐसे करके। गेहूँ के आटे की गुजी बहुत अच्छी होती है खाने में, मैदे की भी अच्छी बनती है और इसकी भी बहुत अच्छी बनती है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। अब हम इसको हाथों से दबा लिया,
और हम अब चाकू की सहायता से इसको कट कर लेंगे। अब हमने इसको कट कर लिया है, अब हम इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि हमारी गुज्जी फ्राई करने के टाइम खुले ना। अब हमने इसको दबा दिया है, अब हम ऐसे हाथ में पकड़ेंगे और इसको हाथ में पकड़ के ऐसे करके इसका ऐसे करके डिजाइन बनाए, ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे करके हम इसको फोल्ड करते आएंगे ऐसे करके। ये देखो ऐसे करके ये डिजाइन बनता है ना इसका भी। ऐसे ही आप हाथ से गुजियां बना सकते हैं ऐसे करके, ऐसे करके बना सकते हैं आराम से। दो गुजियां ऐसे हाथ से बना ली, ऐसे ही हम सारी गुजियां बना लेंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। हमने कढ़ाई रख दी है, अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड तेल गुजियां फ्राई करने के लिए। हमारा तेल गर्म हुआ नहीं हुआ, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा आटा डाल देंगे। अब हमारा तेल गर्म होने लग पड़ा है, देखो फूल के ऊपर आ गया। अब हमारा तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने गुजिया बनाई है वो हम इसमें डाल देंगे ऐसे करके। मुझे डाल देंगे, हम गैस ज़्यादा तेज नहीं रखेंगे, हम स्लो गैस पे इसको फ्राई करेंगे। ऐसे हम दूसरी गुजिया भी डाल देंगे, दो तीन डिजाइन की गुजिया बनाई है हमने ऐसे करके। अब हम इसको ऐसे करके फ्राई कर लेंगे, देखो ऐसे करके हम इसको उलट पलट करते रहेंगे। हमने गुजिया को ब्राउन होने तक इसको हमने इसमें सेक लेना है तेल में, ऐसे करके हमने गुजिया को फ्राई कर लेंगे। अब हमने गुजिया को उलट पुलट करके अच्छे से सेक लिया है, अब हमारी गुजिया फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे ऐसे करके, एक बर्तन में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी गुजिया भी इसमें डाल देंगे, ऐसे हम सारी गुजिया फ्राई कर लेंगे ऐसे करके। इसको भी हम ऐसे उलट पुलट करके वह फ्राई कर लेंगे। ये हमारी दूसरी गुजिया भी फ्राई हो गई है, देखो कितना अच्छा कलर आया है। और जैसे ऐसे लग नहीं रहा कि ये गेहूं के आटे की बनाई हुई है, ऐसे लग रहा है कि मैदे के आटे की बनाई हुई है। ऐसे ही हमने सारी गुजियां फ्राई कर लेनी है और बना लेनी है। अगर आपको मेरी ये गुजिया की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।